यार तूने पतंग ले ली है। ये देखो भाई, एक पतंग से दो पतंग ले जाने का टैलेंट। वैसे भी उड़ी उड़ी फिर रही है नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। और अभी मूड बना है पतंग उड़ाने का, तो बैठे हैं। तो पतंग वतंग तो कुछ लेकर नहीं आए थे, पिछले साल की पड़ी थी और उस थौर की वजह से हमारी सारी पतंगें फटी हुई निकली हैं। देखो अब चिपका रहे हैं उल्टी सीधी करके। तो भाई ये चिपका रहे हैं पतंग, हमारी फटी हुई है, ये लूट वूट के ये घर घर आके गिर गया था थोड़ा बहुत, ये फटी हुई पड़ी है। तो भाई ये नई टेप वेप से चिपका रहे हैं। ये अरे हमारे मिस्त्री साहब से हाय। तो ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, तो चिपका रहे हैं पूरी फटी पड़ी। मतलब ये अभी यहाँ से चिपकाइए, यहाँ से चिपकाइए, यहाँ से भी चिपकाएंगे और यहाँ से भी चिपकाएंगे। मतलब ओ ले खो गया। तो अभी उड़ाते हैं पतंगबाजी करते हैं। इधर तो पतंग उतर ही लेंगे, वही लग रहा मुझे। तो भाई अभी करते हैं पतंगबाजी। और वैसे बसंत तो कल थी, यहाँ पे पतंग बसंत के दिन ज़्यादा उड़ती हैं, पर कल हम थोड़े से बिजी थे तो पतंग नहीं उड़ा पाए। तो चस्का तो है, पूरा तो कर रही है, तो आज उड़ाते हैं। पहले इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर लें, फिर उड़ाते हैं, देखते हैं। मुझे पता टेढ़ी मेढ़ी घूमनी है सारी, पर हमें क्या, मतलब मुझे लेने। तो जब उड़ाते हैं दिखाते हैं। काई लगी बड़ी छत पर, कन्ने प्लास्टिक के मंजे कन्ने बांध रहे हैं। हम पे कुछ है ना नहीं, हमारे उस पर मंजा बंधा पड़ा। हम मतलब हम पतंग वतंग ला सके, पर हमारा कोई खास ज्यादा मन है नहीं। पिछले साल की बड़ी तो एक दो ही उड़ानी, उड़ा उड़ा के अपना कटवा वटवा के एक ही पतंग उड़ रही बस बारी। ए यार मुझे लग रहा है इतना हम उड़ाओगे, इतने उतर लेगी, उतर लेगी। मैं तो दिख रही टंग। गाइस आओ तुम्हें कन्ने बांधना सिखाता हूँ। दो छेद ऊपर करो, दो छेद नीचे करो। मुझे लग रही हमारी कन्नों से कटेगी, थोड़े कन्ने बांध दिए। तीन भी लांद के कन्ने भाई साहब, सही में तीन भी लांद के कन्ने बांध दिए मैंने। उल्टी दिशा में पतंग उड़ रही है हमारी। अरे उड़ी ना, गिर गई, ये यहीं फट जाएगी। चलो चलो बन के चलो। अरे यार ये तो नीचे ही रहेगी, कुदी ना हो रही उसकी, उतार रही। देखियो नीचे जान लग रहा है वो ले गया पतंग को। ओए अभी मत ला तुम्हारे, ये है उड़ने लायक। मैं तो ऐसा लग रहा चार पांच झटके खा के फट ना जा। लगता मुझे भी ऐसी थी। हवा है हमारी, जब भी पतंग उड़े हमेशा हवा ही खत्म हो जा। झटके बज रहे हैं, पतंग किसको पनेगी, तीन दिन हो लिए से। और ये तार हमारे घर के, लेंटर घेर सकता है आदमी इस पे सील रख के। ओ उड़ गई, और यहाँ पे दो रंग के मंजे हैं। गाइस उड़ गई, हो गया काम। गाइस उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। और हमारा एम भोरा वो कटेगा, उससे कटवानी है गाइस हमें। दिखा मुझे, सदी निकल ली, सदी निकल ली, निकल ली, निकल गई, निकल गई, निकल गई। ओ डैम, ये तो हमारी काटने के चक्कर में है गाइस। हमारी पतंग तो बेकार ही है, तो घूम रही गाइस। पीछे दिखा दूं आपको गाइस, पीछे पीछे की बारी आ गई, पीछे की। इस पतंग का ज्यादा नीचे लटक रहा मंजा, ये देखो पतंग कट कट कर रही है पीछे से। ओ डैम, अबे दिखा गाइस, पेच होने वाले हैं हमारे। अभी देखिए कटवाने की एक तिथि बताता हूँ तुम्हें, कैसे कटवाते हैं। ओ काटे काटे, हमने पतंग काट दी। यकीन से नहीं हो रहा, पिछले साल की पतंग ने पतंग काट दी। और इसे कहते हैं टैलेंट, ये हमारी फटी पतंग का स्टाइल। और ये गाइस यार पीछे पे ज्यादा सही हो रहे हैं, हमारे तो टुच्चे चल रहे। तो हमारे एक ही पतंग थी भाई, कट काट दी। रुक जा रुक जा रुक जा, पतंगारी कट के ले जाऊंगा इसे। तो मिल जाओ, चलो चलो चलो। खैर उधर नहीं जाने, उधर नहीं जाने,
ये सिंदूर कहाँ जाएगी, हवा इधर की है ना, मतलब देख रहे हो उड़ते ही हमने तहलका मचा दिया क्षेत्र में, एक ही काटी हालांकि पर बालकों ने पतंग उतार लिया नीचे, बालक है वो लड़ने के पीछे यार, इन लोग तो इतनी उड़ रही थी, ये तो हमारे साथ भेदभाव है यार, एक घंटे तक उड़ाने को घूम रहा था मैं, कल उड़ानी भाई पूरे दिन ले, मैं उड़ाया करता नीचे चली जा मेरी पतंग तो, मैं तो जीना पकड़ने का, या नीचे गिर दी ना देखिए तनु कर दो, वेरी हीट पतंग वेरी स्टेबल, इसका आपको चार फीचर बताता हूँ, इसका चार फीचर ये है कि ये गिल्ली है, दूसरी पटी हुई है, ये कभी भी फट सकती है पर इसने अपनी इच्छा पूरी कर दी, इसने एक पतंग काट दी है ठीक है, चौथा फीचर हमें भी नहीं पता, तुम्हें पता लगा जितना भी होता है इसका उतना हो गया, अगर इससे ज्यादा तेज खींच दी ना मैंने तो ऐसा हो सका कि सींक सींक नीचे डंडी डंडी नीचे आएगी पतंग रह जाएगी, और गाइस ये हमने मंजे से नहीं, हमने सिर्फ कन्नों से पतंग काटी है, क्योंकि हमने कन्नों में तो तीन तीन बार करके प्लास्टिक वाला चाइनीज, ओह शिट ये नहीं बोलना था, जेल हो जाएगी किसी को बताना होता, और देखो लुटेरे दिखाता हूँ तुम्हें, वो लगे पड़े लुटेरे, ये देखो खेतों में लुटेरे दिखाऊं तुम्हें, देखो ये देखो कैसे खड़े हैं, और टाइम मेरे घर वो सही आता है, अब ये देखो गिर गई पतंग, और अभी देखना लुटेरे, चलो तुम्हें दिखाता हूँ, वैसे पतंग तो सेक्सी है पर हम क्या, हम तो लुटे, ये चली और ये काफ़ी तेज जाते, और शेट इसके तार मान से मर गए, मुझे लगता है ये रोड पार गिरी है, ये बीच में वो है इस वजह से शायद अब जा नहीं रही है, नहीं 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 ये फिर कोशिश करते हुए, ये मम्मी ने कह दिया नहीं बेटी उठा ले, अभी देखते हैं ये उठा पाएगी, क्या ये उठा पाएगी, और अब ये निकलने की कोशिश करते हुए, शेट भाई कल इन्होंने डंडी नहीं लगाई है, और ये देखियो ये तोड़ेगी, प्लान कैंसिल हो गया, सत्यम को भेजना पड़ेगा लग रहा है और ये देखो ये देखो हमारी पतंग इतनी स्टेबल है ना कि हम तो सिर्फ ईंटों से उड़ा देते हैं, उड़ रही हमारी पतंग, और ये रहे हमारे पतंगबाज, तो अभी देखते हैं उड़ाते हैं कहीं से दोबारा, कहीं दोबारा पेच होंगे तो खाएंगे, अच्छा तो हो नहीं रहे हैं, चलो खौफ इतना है हमारा, एक मिनट में सारी पतंग उतार दी, देख रहे हो, चलो ऐसे ही जाता हूँ, यार जिन्हें पतंग ले जा ली है ये देखो भाई एक पतंग से दो पतंग ले जाने का टैलेंट, अगर ब्लॉग में बात करिए वरना लपेटना शुरू कर, ठीक है तो गाइज मिशन सक्सेसफुली, मिशन सक्सेसफुल, पतंग खींच ले, ये तो करना है क्या, तो भाई पतंग खींचने के बाद अब यार कोई पतंग पतंग ही नहीं उड़ रही है, तो अभी जाते हैं नहाने और कुछ खाने, फिर खा के आके फिर उड़ाएंगे अगर उड़ रही होंगी, क्योंकि यहाँ ना यहाँ पता नहीं लोग कैसे यार आसपास ज़्यादा मतलब आसपास के एरिया में नहीं उड़ाते, फिर दूर दूर उड़ रही है, और वहाँ तो जाने के लिए इतना भी हमारे पास है नहीं कुछ के इतनी दूर चले जाए, क्योंकि हम तो वैसे ही लूट लूट के काम चला रहे हैं, और ये आदत तो इस बार ख़राब हो चुका है, वो पड़ा टूटा हुआ, तो चल रहे हैं नीचे, और नीचे चल के कुछ खाते हैं, और फिर देखते हैं किसी की तो काटेंगे, ये पड़ी हमारी लूटी हुई सारी मतलब खींची, चलो करते हैं कंटिन्यू कुछ खा पी के, नीचे आते एक और काम मिल गया सत्यम को मिला, खैर मुझे तो नहीं मिला, मेरे से भी काम करवाने की पूरी कोशिश थी मम्मी की पर मैंने नहीं करा क्योंकि मैं आलसी हूँ, किसी ने कमेंट करा था बेटे पढ़ा था मैंने, जिसने मुझे आलसी कहा था, काम मिला गाड़ी धोने का, अभी दिखाता हूँ क्या काम है गाड़ी धोने का, मम्मी को देख लो, हमारी मम्मी हमारी एज यूजल गेनर पीपी का मोटी होती जा है, वो मेरी बहन है, और ये हमारा मजदूर, अच्छे से दो अच्छे से, यस ढंग से दो ढंग, ओहो पानी का प्रेशर नहीं आ रहा, ओए कंटेंट अच्छे से कर, कुछ अच्छा सा कंटेंट दे मुझे, अरे ओए ये क्या हो रहा ये क्या हो गाइस ये देखो ये गाड़ी धोने का पाइप मुड़ गया और पाइप फट गया बीच में, ये है हमारे सफाई घर, ये देखो भाई अब क्या क्या करूं मैं तुम्हारा, कहां बेचूं तुम्हारा तो कुछ मिले भी ना मुझे, और ये आ गई, इन्हें 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 पानी पिलाओ पहले, हाँ
कैसा लग रहा है सर पाइप तोड़ के? क्यों बढ़िया की लग रहा? तोड़ दिया नू। आगे से धोने की टेंशन नहीं, खत्म। बहुत दुआ में थे हैं। नहीं मम्मी बोलते थे मैं ले आऊंगी। कॉपीराइट लग जाएगा। ओ शिट, पड़ोस में भाई हमारे गाने चल रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ शादी है क्योंकि इनके यहाँ तो भाई मस्त गाने वाने चल रहे हैं। शादी वादी आ रही है, खूब दबा के खाने का टाइम आ रहा है भाई साहब। खाओ खाओ दबा के और मजे लो। तो भाई कुल मिला के बज चुके हैं दिन के 3 और अब जाके मिला है खाना। बेकार था। तो भाई टोटल मिला के बात ये है, चीज बहुत बढ़िया बनती। हमारा जो नॉन स्टिक पैन है ना वो खराब था। वो इस औरत ने घटिया वाला लिया है, अच्छे वाला लिया है। मम्मी हर जगह पैसे बचाने की कोशिश करे। खराब हो गया तेरे अंडे की क्रेट बना बना के। अंडे की वजह से खराब हुआ तुम्हारे। ओह शिट, ये तो बात उल्टी मेरे ऊपर ही आ गई। ये तो नुकसान मेरे ऊपर ही आ गया। नहीं भाई बहुत बढ़िया थी, बस थोड़ा सा इसकी वजह से खराब था, वरना बढ़िया था। ऐसी बात नहीं, बना तो अच्छे रखे थे। सब्जी वब्जी की थी, दाल का ही था खाना। डाइट वाइट के लिए भी सही था, पर थोड़ा सा टेस्ट लेस हो गया था क्योंकि हमारा जो नॉन स्टिक पैन है क्योंकि मेरी वजह से खराब हुआ है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो सह लेंगे थोड़ा। तो भाई फिर से आ चुका हूँ पतंग उड़ाने क्योंकि एक छोटू उड़ा रहा था, उसे अभी काट रहा था। मैंने सोचा मैं उसकी काटूंगा, मैंने कहा मैं तेरी काट रहा हूँ, तो मेरी काली जुबान ने काम कर दिया, जुबान से काट दी मैंने उसकी कटी पहले ही। तो अभी उड़ाते हैं, सांस चढ़ गया, पतंग उठाए फिर रहा हूँ, अब उड़ाता हूँ। चलो पतंग नहीं बची क्षेत्रों में, सब साफ, सारी पतंग काट दी भाई। थोड़ी बहुत ही हम पे जितनी है इससे कर लो। क्या करो? हमारी सर्दी देखना चाहिए, ये देखिए कितनी सर्दी बच रही है, और हमारी पतंग कुल अभी इतनी दूर है बस। हम अरे यार उड़ाते नहीं ना, पर काट कितनी दिया था यस। वैसे तो खुशी सी हो रही है, अभी व्लॉग शुरू हुआ है सारी, अभी हमारी कटेगी, अगली देख रही हो। हाँ व्लॉग शुरू होते ही हमारी कटती है, फिर सब सोचेंगे फेंकते हैं। ना इधर हम दिखाएंगे कटवाती हुई अपनी, इनकी तो कटती नहीं मुझे लगा है। इस बार तो ढील भी ना। अरे यार फिर हवा बंद होगी, वाह हवा ना बड़े जी खाया आज। बट है ही थोड़ी सी पीछे हो गए। किसी कट गई? वो कट गई, अरे यहीं पकड़ ली, मतलब इतनी दूर बढ़ा के यहीं घेर ली। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और मैंने खाना वाना खा लिया है, मतलब वही दाल सब्जी रोटी वही होती है घर में, और कुछ होता तो है नहीं। तो बैटरी डाउन भी हो चुकी है फ़ोन की और नींद भी आ रही है, थोड़ा सर दर्द है। और आई नो व्लॉग्स रोज नहीं, डेली नहीं आ रहे हैं, कमेंट मैसेज किया करो यार, तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा कि मैं रोज व्लॉगिंग वगैरह करूँ। बाय द वे जितने भी फॉलोवर है मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ, मेरा मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और तब तक अपना भी ध्यान रखो सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मौज लो रोज लो, ना मिले तो तुम खोज ही लोगे क्योंकि तुम मेरे शेयर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।